अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं, हजाना वन आपको कई सालों से आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता आ रहा है। नित नए प्रोडक्ट से आपको इंट्रोड्यूस कराता है और बहुत ही अच्छी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है। सेम इसी तरह आज भी आपके साथ एक न्यू प्रोडक्ट शेयर कर रहे हैं जो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी, जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स में इजाफा कर सकते हैं और कस्टमर ट्रैफिक को इंक्रीज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको व्हाट्सएप एपीआई रीसेलर सिस्टम के बारे में बताएंगे कि व्हाट्सएप एपीआई एक्चुअली क्या है, व्हाट्सएप एपीआई को कैसे यूज़ किया जाता है, ये कैसे वर्क करती है, इसका रीसेलर सिस्टम कैसे है और आप उसको आगे रीसेल कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। ब्राउज़र ओपन करें और hajanawan.com लिख के एंटर करें और हेडर में व्हाट्सएप वाला सेशन पे क्लिक करें। आपको व्हाट्सएप के सब मेन्यूज़ में व्हाट्सएप एपीआई रीसेलर सिस्टम भी मिलेगा, इस पर क्लिक करें तो आपके सामने व्हाट्सएप एपीआई रीसेलर की डिटेल्स ओपन हो जाएंगी और साथ ही साथ डेमो लिंक्स भी आपको दिए गए हैं। डिटेल्स को आप विज़िट करके तफसील से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा कि किस तरह से इसका तरीका कार है, कैसे इसको यूज़ करना है। एडमिन डेमो लिंक पे क्लिक करें, दिए गए यूज़र नेम एंड पासवर्ड से लॉगिन करें। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे एडमिन पैनल आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें आप अपने क्लाइंट्स ऐड कर सकते हैं, एपीआई जनरेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कितनी APIs वर्किंग में हैं, कितनी एक्सपायर हो चुकी हैं। साइड बार मेन्यू में देखें क्लाइंट लिस्ट है। क्लाइंट लिस्ट में आपने अब तक जितने भी क्लाइंट्स ऐड किए होंगे वो आपको शो होंगे। उनमें से कौन से क्लाइंट एक्टिव हैं, कौन से मूव कर चुके हैं, इन सब की डिटेल्स आपको यहीं मिल जाएगी। आप चाहें तो क्लाइंट्स को एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और यूज़र का अकाउंट लॉगिन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे आता है ऐड क्लाइंट। ऐड क्लाइंट के पेज को आप ओपन करें तो यहाँ से आप अपने कस्टमर को ऐड कर सकते हैं। जो भी आपके पास न्यू कस्टमर आता है उसका पहले आपने अकाउंट जनरेट करना होता है। अकाउंट जनरेट करने के लिए आप ऐड क्लाइंट पे क्लिक करेंगे और दिए गए फॉर्म को फिल करेंगे। दो तीन चीज़ें हैं, कस्टमर का नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करके क्रिएट अकाउंट बटन पे क्लिक कर दें तो आप क्लाइंट का अकाउंट जनरेट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप पे आता है हमारे पास APIs लिस्ट, व्हाट्सएप API लिस्ट। व्हाट्सएप API की जितनी भी आपने APIs जनरेट की होंगी उन तमाम की लिस्ट होगी। टोटल APIs अब तक जो आपने ऐड की होंगी वो इस लिस्ट में आपको शो होगी, बकायदा यूज़र नेम के साथ कि कौन सी API की ID कौन सी है और कौन से यूज़र को आपने ये सेल की हुई है। आगे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से आप API को अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और एडिट पे जाके इसको एडिट भी कर सकते हैं, जैसे कि इसकी एक्सपायरी आपने चेंज करनी हो या इसकी लिमिट आपने इंक्रीज करनी हो या डिक्रीज करनी हो, इस तरह से जैसे आप चाहें इसको अपडेट भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है न्यू API क्रिएट करना। न्यू API पे क्लिक करें, एक छोटा सा फॉर्म आपके सामने ओपन होता है, बहुत ही सिंपल सा, जिसमें आप अपने कस्टमर को सिलेक्ट करते हैं। कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे, अगर पहले से कस्टमर ऐड नहीं किया हुआ तो जाके उसका अकाउंट क्रिएट करेंगे। चार्जेस आप सिलेक्ट करेंगे, 1 डे ट्रायल देना है, 3 डे ट्रायल देना है या मंथली देना है, ये चीज़ें सिलेक्ट करके आपने जनरेट कर देना है, API क्रिएट हो जाएगी। व्हाट्सएप रीसेलर सिस्टम की बेहतरीन बात ये है कि आप जब इसको यूज़ करते हैं तो आप इसको अपने डोमेन, अपने होस्टिंग पे इंस्टॉल कर सकते हैं और जब आप अपनी होस्टिंग पे, डोमेन पे इंस्टॉल करेंगे तो इसमें आप अपना लोगो, अपनी कंपनी का नेम, अपनी डिटेल, नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारी तमाम चीज़ें आप अपने ऐड पे अपने ही कंपनी का नाम शो करा सकते हैं।
तो सेटिंग्स में आप यही करेंगे कि अपना फ़ोन नंबर देंगे, अपना ईमेल एड्रेस देंगे, अपना कंपनी का नेम लिखेंगे और लोगो वगैरह ऐड करेंगे। लोगो ऐड करना और ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये आप तब एडिट कर सकते हैं जब आप स्क्रिप्ट बाय करेंगे। फिलहाल क्योंकि ये डेमो है इधर हम अपडेट नहीं कर सकते, जस्ट व्यू कराया गया है आपको, लेकिन जब आप परचेज करेंगे देन आपकी डिटेल आपको यहाँ शो होगी। नेक्स्ट स्टेप पे आता है कि आपके कस्टमर को APIs किस तरह से शो होगी, वो अपना अकाउंट कैसे लॉग इन करेगा, अपना व्हाट्सएप कैसे स्कैन करेगा, API को कैसे यूज़ करेगा और यूज़र पैनल किस तरह से उसको शो होगा। ये सारी चीज़ें, इसकी डिटेल इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। और साथ ही साथ व्हाट्सएप API रीसेलर सिस्टम को आपने अपनी होस्टिंग डोमेन पे किस तरह से इंस्टॉल करना है और सेटिंग्स कैसे करनी है ये डिटेल भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। होप सो आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।